अभी एक ROG एडिशन का जो बिल्ड है Redmi Note 11 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है MIUI 14.0.7.0 के साथ। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इस रोम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस रोम को मैं जो है लगभग यहाँ पर 3 डेज से यूज कर रहा हूँ। एज रोम है एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, मोबाइल डाटा काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर जाएगा, फ्लैश लाइट भी काम कर रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है। यहाँ पर वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट को आप जो एक साथ यूज कर सकते हो। डार्क मोड का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, रीडिंग मोड का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर रहा है। एंड ये जो रॉम है दोस्तों MIUI 14.0.7.0 का बिल्ड है। MIUI 11X से पोर्ट किया गया है Redmi Note 11 डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर जो जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.19 कर्नेल के साथ। कुछ इस तरह से यहाँ पर ROG एडिशन का जो UI है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। सबसे पहले इस रोम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये जो रोम है इस रोम का डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर के तरह यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सभी जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर MIUI डायलर को ऐड किया गया है, पर कॉल रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। विदाउट अनाउंसमेंट आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, बट स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। डेफिनेटली डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हो, इवन गेमिंग भी कर पाओगे, बढ़िया एक्सपीरियंस देने को मिलता है। नया वाला जो चार्जिंग साउंड है उसे भी ऐड किया गया है। प्लस MIUI 14 के साथ सभी जो विजर्ट्स का जो सपोर्ट है अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से विजर्ट्स का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। वेदर विजर्ट्स, बैटरी विजर्ट्स का ऑप्शन है। एंड इस तरह से जो है एडिट आइकॉन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। इवन यहाँ पर फोल्डर को भी एडिट करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से लॉन्चर के साथ मटेरियल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सभी जो विजर्ट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो है सिस्टम एप्लीकेशन जो है उसे भी डिजेबल कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर प्ले स्टोर अवेलेबल है, आपको अलग से जो है जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। प्लस नोटिफिकेशन पैनल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से जो है नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर iOS स्टाइल नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिलता है, जिसे आपको अलग से एनेबल करना होगा। एंड जो ऑटो ब्राइटनेस है उसे भी फिक्स किया गया है। एंड वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें कुछ इस तरह से जो है वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल के साथ ब्लर को भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस रोम के साथ जो है लाइका कैमरा 4.0 को भी ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से जो है 100 मोड का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। AI कैमरा, डायनेमिक शॉट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। वाटरमार्क को ऐड किया गया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है HD पोर्ट्रेट का ऑप्शन है। AI कैमरा का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है सुपर मून मोड का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर स्लो मोशन ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पैनोरामा का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो टेलीप्रॉम्प्टर, ऑडियो जूम, AI कैमरा, मोशन ट्रैकिंग, फोकस का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो इस तरह से यहाँ पर लाइका कैमरा 4.0 का जो यूजर इंटरफेस है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट को क्लिक करने के बाद जो है डिवाइस फ्रेम का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। कुछ इस तरह से जो डिवाइस फ्रेम का जो ऑप्शन है काम कट जाएगा। एंड यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन है, जो हीटिंग इश्यूज भी फिक्स किया गया है। प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर UI के साथ भी स्मूथनेस देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस रोम को हम जो है एज ए यहाँ पर डेली ड्राइवर की तरह यूज करके देखे, ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है। कोई भी लैग हमने यहाँ पर फेस नहीं किया है। ओवरऑल जो यहाँ पर जो है स्मूथ स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। इवन क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है जो कि हमने यहाँ पर रन किया था इस रोम के साथ। तो यहाँ पर जो है लगभग 5 मिनट के लिए CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमने यहाँ पर रन किया था। मैक्स गया है 178, एवरेज 160, मिनिमम है 147। यहाँ पर 88% का जो CPU थ्रॉटल देखने को मिल गया है। मैक्स CPU गया है 2.40 GHz तक। तो यहाँ पर
परफॉर्मेंस बढ़िया है। अगर बात करें पर Geekbench 6.1.0 के साथ सिंगल कोर के साथ 419, मल्टी कोर के साथ 1473 का जो है स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर जो है Geekbench 5.5.1 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 388, मल्टी कोर के साथ 1730 का स्कोर है। मल्टी कोर का जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 452 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है Redmi Note 11 डेज के साथ। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेप्टनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। एंड अगर बात करें पर कैमरा टू एपीआई के बारे में तो यहाँ पर जो है लेवल 3 का सपोर्ट है, जीकैम काम कर जाएगा, गूगल कैमरा काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड फोटो वीडियो मोड का ऑप्शन है। रिसेंटली हमने Redmi Note 11 डिवाइस के लिए जीकैम 9.0 का जो है रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर जो है थीम को इम्पोर्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड गैलरी के ऊपर सभी जो नया जो फीचर्स है यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर ऑटो फिल्टर एडजस्ट का ऑप्शन है। एंड इस तरह से जो है AI के ऊपर जो है अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है, पर EDS का जो ऑप्शन है, यहाँ पर बुके मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर स्काई फिल्टर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर गैलरी एप्लीकेशन के ऊपर नया जो लेटेस्ट फीचर्स है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, हमने यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो काफ़ी फास्ट है, प्लस कुछ इस तरह से जो लॉक स्क्रीन UI भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एनिमेशन को भी ऐड किया गया है, कस्टमेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर जो है पर राइज टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डबल टप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो इस तरह से पर लॉक स्क्रीन के ऊपर कस्टमेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है रीडिंग मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। AI इमेज इंजन का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, इमेज एनहांसमेंट का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन को ऐड किया गया है डिस्प्ले के साथ। एंड यहाँ पर साउंड इफेक्ट के ऊपर जो कुछ इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन है, पर इक्वलाइजर का ऑप्शन है, वॉल्यूम एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है, प्लस एडिशनल सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, साउंड असिस्टेंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के ऊपर MIUI का जो पुराना वाला जो कंट्रोल सेंटर है उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सरस वर्क के साथ जो कस्टमेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आइकॉन इन सरस वर्क का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट UI को सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सरस वर्क आइकॉन का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल वाईफाई आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कलर नोटिफिकेशन आइकॉन का ऑप्शन है। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट स्विच का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, वेदर को शो कर सकते हो सरस वर्क के साथ। एंड यहाँ पर जो है होम स्क्रीन के साथ जो है कस्टमेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पर हाइट ऐप आइकन का ऑप्शन है, एनिमेशन स्पीड का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है डेस्कटॉप का ऑप्शन है। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर फोल्डर के ऊपर ब्लर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड डबल टैप गेस्चर्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर रिसेंट पैनल के साथ भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। बैटरी बैकअप की अगर बात करें, यहाँ पर इस रॉम के साथ जो लगभग 6 से 7 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा अगर आप हैवी यूजर हो तो। एंड बैटरी बैकअप ओवरऑल बढ़िया है, काफ़ी कम बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। एंड देख सकते हो यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड सेफ बैटरी का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है 100 मोड क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है। यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स मेमोरी एक्सटेंशन एंड फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो इस तरह से सभी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पर गेम टर्बो मोड भी काम कर जाएगा, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ से वॉइस चेंजर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर वीडियो टूलबॉक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से वीडियो टूलबॉक्स के साथ ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब डेफिनेटली Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर AVX RGB एडिशन MIUI 14.0.7.0 का जो बिल्ड ट्राई करके देखो। यहाँ पर ढेर सारी कस्टमेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, प्लस इस रॉम को आप एज ए डेली ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्मूथ स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 13 के साथ। एंड सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, प्लस कस्टमेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है।
एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।